नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अंजनी तिवारी हूँ। दोस्तों, वैसे तो चंडीगढ़ में बहुत ठंड हो रही है और मेरे को जुकाम भी है, लेकिन इस विषय को मैंने इतना महत्वपूर्ण समझा कि मैंने सोचा आपके लिए ये वीडियो बना ही दूँ। दोस्तों, आप लोग अक्सर इंडिया घूमते होंगे गाड़ी से। इंडिया तो क्या, जो आपके जहाँ भी आप रहते हैं उससे कहीं दूर जाते होंगे आसपास। जैसे मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, जैसे मैं कभी मोहाली चला गया, कभी अल्मोड़ा चला गया, ऐसे दूर दूर। दोस्तों, आपने हमेशा देखा होगा कि आपको एक टोल टैक्स पे करना पड़ता है। दोस्तों, पहले तो आपको ये बताऊंगा कि टोल टैक्स होते क्या है। दोस्तों, जिस कंपनी ने सड़क बनाई है, इतनी स्मूथ सड़क बनाई, उसके वो पैसे वसूलती है। मान लो एक कंपनी ने 100 करोड़ रुपए लगा के पूरी एक सड़क बनाई, तो अब जब तक वो 100 करोड़ से ज़्यादा वसूलेगी ही नहीं, तब तक वो अपने एम्प्लॉयज़ को पैसे नहीं दे पाएगी। इसलिए कंपनी 100 करोड़ से ज़्यादा, अगर उसने 100 करोड़ लगाए तो उसे 100 करोड़ से ज़्यादा वसूलने ही पड़ेंगे। इसलिए वो लोग टोल लगाते थे कुछ सीमित पीरियड के लिए, जैसे 10 साल लगा दिया। अब क्या होता था कि जैसे वो लोग कहते थे कि आपको तो पता ही होगा कि आर्मी व्हीकल्स, मीडिया व्हीकल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के व्हीकल्स को कह कह के लोग ऐसे झूठ मूठ में निकल जाते हैं। तो वो कंपनी वाले सरकार को कहते थे कि टोल का रेट बढ़ाओ, टोल की जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ाओ, क्योंकि हमें तो घाटा हो रहा है। 1000 मीडिया वाले निकल गए, 1000 आर्मी वाले निकल गए। अब इसका किसी के पास रिकॉर्ड था ही नहीं कि कितने निकले। हो सकता है वो कंपनी झूठ बोल रही हो और पैसे वसूलना चाह रही हो, क्योंकि वो कुछ भी बोल देती थी। अब किसी को तो ये पता है ही नहीं कि रिकॉर्ड है। दोस्तों, इसलिए आपने हर बार ज़रूर देखा होगा टोल पे कि एक लाइन या दो लाइन होती है फास्टैग की। दोस्तों, फास्टैग की जो लाइन है वो पहले तो 1 दिसंबर से कंपलसरी थी, लेकिन अब सरकार ने 15 दिसंबर से उसे कंपलसरी कर दिया है। दोस्तों, फास्टैग से यही चोर बाजारी पकड़ी जाएगी, क्योंकि जब कोई बंदा जैसे मीडिया का होगा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या आर्मी का होगा, तो सब रिकॉर्डेड होगा। वो गवर्नमेंट की तरफ से ही जाएगा, लेकिन रिकॉर्डेड होगा। दोस्तों, फास्टैग से एक तो हमें ये फ़ायदा हो गया कि चोर बाजारी पकड़ी जाएगी, दूसरा फ़ायदा होगा कि जो घंटों घंटों जाम लगे रहते थे, लोग जाम में खड़े होते थे, वो बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे। और कई बार जैसे कंपनी को जब कहती थी सरकार को कि घाटा हो रहा है, तो सरकार को टैक्स बढ़ाने पड़ता था। जैसे अगर टैक्स का दाम 35 रुपये है, तो उसे 40 रुपये करना पड़ता था। ऐसे इसलिए नहीं होगा, क्योंकि फास्ट टैग से सब कुछ पकड़े जाएंगे लोग जो जो ऐसे चोर बाजारी कर रहे हैं। और अगर आपके पास फास्टैग नहीं है, तो आपको डबल फाइन करना पड़ेगा। मतलब अगर टोल टैक्स का फाइन 50 रुपये है, तो आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे। तो दोस्तों, आप फास्टैग ज़रूर लगवाएं। दोस्तों, अब आपके मन में ख्याल आएगा कि फास्टैग को मैं कहाँ से लगवा सकता हूँ, मुझे कहाँ जाना पड़ेगा। दोस्तों, तो उसकी आप टेंशन बिल्कुल मत लें दोस्तों, क्योंकि फास्टैग की जो वेबसाइट है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें जाके आप उससे भी ले सकते हैं, या फिर उस पर अपना पिन कोड डाल के आप अपने नियर बाय जो फास्टैग बेच रहे हैं उनका पता लगा सकते हैं। जैसे मेरा पिन कोड है 16014, तो मैंने वो डाला तो मेरे आधे किलोमीटर की दूरी पर ही फास्टैग बिक रहा था, जो कि मुझे पता ही नहीं था। दोस्तों, और एक और इसका सिक्योरिटी पॉइंट बहुत ज़्यादा बड़ा मुझे लगा दोस्तों, कि इससे सारे व्हीकल्स ट्रैक रहेंगे। जैसे कोई छोटी मोटी चोरी है, अगर आपको गाड़ी का नंबर पता है, तो वो आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि ये जैसे 222, जैसे एक गाड़ी का नंबर है 1212, तो आपके पास ये रिकॉर्ड रहेगा कि 1212 गाड़ी इस टोल से गई है, मतलब ये कहीं इसी एरिया में रहेगी। दोस्तों, तो ये गाड़ियों का ट्रैक रहेगा, जिससे थोड़ी चोरियां भी बच सकती हैं। इसका बहुत बड़ा सिक्योरिटी फीचर है। दोस्तों, फास्टैग, दोस्तों वैसे तो फास्टैग को भारत सरकार ने 1 दिसंबर से लागू करने को कहा था, मतलब 1 दिसंबर के बाद आपको फास्टैग के लिए पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन अब भारत सरकार ने इसकी डेट 15 तारीख कर दिया है।
तो दोस्तों बिना समय गवाए 15 तारीख से पहले अपना फास्टैग खरीद लो, वरना 15 तारीख के बाद आपको फास्टैग पैसों से खरीदना पड़ेगा। हाँ, अभी भी आपको पैसे लगाने तो पड़ेंगे, जैसे आपको बिल लेकिन फ्री में जाएगा, लेकिन आपको जैसे आपने 1000 रुपये डलवा लिए, 2000 डलवा लिए, सपोजिंगली आपने 2000 डलवा लिए, फिर आपको वो आपके लाइफ टाइम 2000 हो जाएंगे। जैसे आपको एक जगह 100 रुपये का टोल सपोज, और दूसरी जगह 10 रुपये, सॉरी 10 रुपये तो होता नहीं है आज के ज़माने में, एक जगह 50 रुपये का, एक जगह 80 रुपये का, ऐसे कर करके मतलब जब तक वो 2000 रुपये ख़त्म नहीं हो जाएंगे तब तक आप करते रहोगे। फिर 2000 ख़त्म हो गए, फिर आप और पैसे डलवा लो, लेकिन वो जो कूपन होगा जिसमें आप पैसे डलवाओगे वो आपको 15 तारीख तक फ्री में मिलेगा। लेकिन अगर 15 तारीख के बाद आप कूपन या जो कार्ड होगा ख़रीदेंगे तो आपको उसके लिए रेंट पे करना पड़ेगा, मतलब आपको पहले उसमें पैसे भी डलवाने पड़ेंगे और वो भी ख़रीदना पड़ेगा जिसमें पैसे डलेंगे। तो दोस्तों बिना टाइम गवाए अभी फास्टैग खरीद लो। और हाँ, कई लोग परेशान होते हैं कि हम फास्टैग कहाँ से लेंगे, कहाँ से लेंगे, होते भी हैं तो बहुत दूर होते हैं, कैसे जाएंगे। लेकिन दोस्तों इसके लिए बहुत ही आसान सा साधन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी रोडवेज की वेबसाइट है, उसमें फास्टैग के सेक्शन पे आप पता लगा सकते हैं कि आप अपना बस पिन कोड डाल दीजिए। जैसे मेरा है 16014, तो मैंने अपना पिन कोड डाला तभी उसमें मेरे नियर बाय जो फास्टैग सेल कर रहे हैं वो आ जाएंगे। जैसे मेरे आधे किलोमीटर दूरी पर फास्टैग बेचा जा रहा है, नहीं तो आप इंटरनेट से भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बिना टाइम गवाए मैं आपको आखिरी बार कहूँगा, बिना टाइम गवाए फास्टैग लगवा लो, वरना डबल फाइन पे करते रहना। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घूमते रहिएगा। बाय।